है। मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया मम्मी? हाँ ठीक हूँ, चलिए आराम से। क्या हुआ? आराम से, आराम से बैठिए। अरे भाई पानी लाओ। क्या हुआ, आपको चोट लगी? क्या हुआ है? हम ठीक है। सुहागिन सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई अब तक हमें लग रहा था कि इस बार हमारे स्वरा और वेदांत की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन भाई फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जी हाँ, एपिसोड में हम देख ही रहे थे कि भाई किस तरह से कोयल जो है एक बड़ी प्लानिंग करती है और वो जानबूझकर हमारी स्वरा की गाड़ी का ब्रेक फेल करती है और वो स्वरा से कहती है कि उसने वेदांत की गाड़ी का ब्रेक फेल किया। और ये सुनकर भाई हमारी स्वरा जो है वो बौखला जाती है और तुरंत ही गाड़ी लेकर अपने वेदांत जी के पीछे भाग जाती है उन्हें बचाने के लिए। आपका हाथ चल गया और आप बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ है। अरे कोई फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ बेटा, अभिमन्यु जल्दी कर। कोयल तुम सारी चोटें कैसे मंदिर में गिर गई? मंदिर? हाँ थोड़ी ने बताया तुम मंदिर गई। हाँ मंदिर गए थे। लेकिन आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर हमारी स्वरा की गाड़ी का ब्रेक फेल था, तो इस वजह से यहाँ पर कोयल जो है वो स्वरा को बताती है कि उसका टारगेट वेदांत नहीं बल्कि इस बार स्वरा है। और यहाँ पर स्वरा की गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा, वो परेशान है, बार बार ब्रेक लगा रही है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि भाई गाड़ी का तो ब्रेक ही फेल है तो वो बचेगी कैसे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर समय रहते वेदांत जो है हमारी स्वरा की गाड़ी को देख लेता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि भाई आखिर स्वरा इतनी तेज ड्राइविंग क्यों कर रही है इतनी स्पीड में। ये शैतान यहाँ है तो माँ जी कहाँ है? पानी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है? हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वेदांत, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? जरा सी तो चोट। ये जरा सी लगी है आपको? इतनी चोट आई है क्यों गाड़ी चला रही है? और इसी बीच यहाँ पर वेदांत को स्वरा बताती है कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल है और यहाँ पर वेदांत जो है तुरंत ही हमारे स्वरा के पीछे जाता है उसे बचाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई फाइनली हमारी स्वरा की गाड़ी रुक जाती है, एक पोल से टकराने की वजह से गाड़ी रुक तो जाती है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर हमारी स्वरा जो है बार बार गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन वो निकल नहीं पाती। और इसी हो सकता है इंटरनल इंजरी भी हुई हो। देखिए हम आपको लेकर रिस्क नहीं ले सकते, ऐसा करते हैं आपको नहीं जाना तो हम डॉक्टर को यहाँ बुला लेते हैं। जी वेदांत, हमने कहा ना ठीक है घर पर मरहम पट्टी करेंगे ना तो चोट ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। टेंशन कैसे ना ले, आपको अगर कुछ हो जाता तो। बीच यहाँ पर वेदांत पहुंचता है, वो स्वरा को निकालने की कोशिश करने वाला है और इसी बीच यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई किसी भी वक्त गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। स्वरा जो है वो वेदांत को बार बार जाने के लिए कहती है लेकिन भाई इस बार वेदांत ने ठान लिया है कि वो स्वरा को छोड़कर नहीं जाएगा और यहाँ पर गाड़ी जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। फिलहाल हमें ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों की जान जा चुकी है, लेकिन आपको बता दो कि भाई दोनों जो है इस बार पूरी तरीके से सुरक्षित है और ठीक बिल्कुल सही सलामत घर वापस आते हैं और ये देखकर सभी घर वाले काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोयल और ध्वनि जो है काफी ज्यादा शौक में और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई दोबारा से यहाँ पर कोयल जो है वो स्वरा की जान लेने की कोशिश करेगी, तो वही आने वाले एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई इस बार प्रभा ने ठान लिया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जाएगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार हमारी स्वरा जो है वो प्रभा को रोक पाएगी या नहीं।